subscribe to my channel Zaika Kanpuri and also press the bell icon, you will never miss out my upcoming videos. Assalamu alaikum friends, main Sumaiya and welcome to Zaika Kanpuri. Aaj hum aapko batate hain Pune special tandoori chai ki recipe. To chaliye hum aapko ingredient dikha dete hain. Maine yahan par 1/2 liter milk liya hai. Cup se dekhen to ye 5 cup liya hai. Shakkar maine yahan par li hai 3 spoon. Is spoon se maine measure kiya hai. Chai patti maine yahan par liya hai 4 spoon. Hari ilaichi maine 2 li hai. और अदरक का जो आधे इंच से भी थोड़ा सा टुकड़ा लिया है, बहुत कम टुकड़ा लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है. देखिए यहाँ पर मैंने मिल्क में बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं. इसमें 5 कप मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है, तो आप 1.5 कप उस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दीजिए. ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो चाय उतनी अच्छी नहीं बनेगी. इलायची और अदरक बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप ऐड कीजिए, वरना स्किप कीजिए. देखिए इस चाय को बनाने के लिए हमें कुल्हड़ की ज़रूरत होगी. ये कुल्हड़ मैंने ले लिया है कुल्हड़ वाले की शॉप से, और इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है. वॉश करने के बाद मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया. मैंने अच्छे से सुखाने के बाद अब इसका यूज हम किस तरह करते हैं चलिए बताते हैं आपको. सबसे पहले हम मिल्क में ये इलायची और अदरक ऐड कर देंगे और इसे खोलने के लिए रख देंगे. देखिए इस बर्तन को अब मैं रख देती हूँ गैस स्टोव के ऊपर. दूसरी तरफ फ्रेंड्स मैं इसको रख देती हूँ कुल्हड़ को गैस स्टोव पर. इसे स्लो आंच पे रखना है, घुमा घुमा करके इस तरह से इसमें आंच लगानी है. देखिए मिल्क अच्छे से बॉयल हो गया. इसमें हम शुगर ऐड कर देते हैं, चाय पत्ती भी ऐड कर देते हैं. अब इस चाय को हम अच्छे से खोलने देंगे. इधर हमारा कूलर अच्छे से सिक रहा है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. देखिए इसको कूलर को अच्छे से सेक लिया मैंने बाहर से अच्छे तरीके से. अब बारी है इसको इस तरह से गैस स्टोव पे रख देने की. देखिए कितने अच्छे से ऐसे मैंने सेट कर दिया इसको. अब इसकी जितनी भी फ्लेम है वो अंदर जाएगी और यही स्मोकी फ्लेवर इसमें लाएगी चाय में. देखिए चाय मेरी कितनी अच्छे से खोल रही है. चाय जितनी अच्छी खोलेगी चाय का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा. और इसे मैंने 6 से 7 मिनट कंटिन्यू खोला लिया है एकदम स्लो आंच पर. अब इसको गैस स्टोव हम बंद कर देते हैं और इस चाय को बहुत अच्छे से हम छान लेते हैं. देखिए कुल्हड़ अच्छे से सिक गया है अंदर. अब हम इसे हटा लेते हैं. यहाँ पर मैं एक और भगोना चढ़ा देती हूँ. देखिए इस भगोने में मैंने अपना कुल्हड़ रख लिया है और जो मैंने चाय छनी हुई थी, छान ली थी अच्छे से, उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. देखिए चाय कितनी खोल रही है इसमें जाने के बाद, कितनी झाग बन रही है. और इसी तरह से हमारी चाय में स्मोकी फ्लेवर आएगा. ये देखिए और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस चाय की. आप इस रेसिपी को देखकर ज़रूर बनाएंगे इस चाय को. इसकी झाग जब तक कि ख़त्म नहीं होगी, जब तक कि हम ऐसे गैस स्टोव चले रहने देंगे, बंद नहीं करेंगे. देखिए कितनी ऊपर आ रही है चाय. देखिए गैस स्टोव हमने बंद कर दिया है, कूलर की चाय इसमें ही हम आप इसे पलट देते हैं और दूसरे कूलर. देखिए मैंने कूलर वाली शॉप से 2 कूलर लिए थे. एक कूलर से मैंने चाय बनाई है, एक कूलर में मैं चाय आपको दिखाऊंगी निकाल कर. देखिए मेरी कूलर वाली चाय तंदूरी चाय बिल्कुल रेडी है. बहुत ही अच्छी इस चाय की आप ज़रूर बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अल्लाह हाफिज़.